हाय, आई एम राहुल कोला, ओनर ऑफ हॉस्किंस। मैं आपको आज कोल्ड कॉफ़ी की एक रेसिपी बताने वाला हूँ। मैं आपको फ्लेवर्ड कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी बता रहा हूँ। मैं आपको रेड वाइन कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से रेड वाइन कोल्ड कॉफ़ी बनानी है हमें। इसके लिए हमें चाहिए फ्रोजन मिल्क, सेमी फ्रोजन मिल्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, अमूल का। ये स्लिम एंड ट्रिम मिल्क है ये, और इसी मिल्क से मैं आपको एकदम थिक, एक्स्ट्रा थिक कोल्ड कॉफ़ी बना के बता रहा हूँ। तो हमें इसमें स्टार्टिंग में ये करना है, ये जार है, इसमें हमको मिल्क डालना है। ये देखिए, ये देखिए, सेमी फ्रोजन कंसिस्टेंसी का मिल्क है ये, ना ज़्यादा जमा हुआ है और ना ज़्यादा पतला है ये। देखिए, इस कंसिस्टेंसी का दूध हमें लेना है। इसमें एक गिलास में हमको 1.5 चम्मच शुगर ऐड करनी है, तो मैं टोटल 3 स्पून शुगर इसमें ऐड कर रहा हूँ, 3 चम्मच शुगर ऐड कर रहा हूँ मैं। और एक गिलास में हमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करनी है, तो 2 गिलास है, तो मैं इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल रहा हूँ। और ये है सनविप क्रीम, जिससे हमें कॉफ़ी में थिकनेस और क्रीमीनेस मिलता है। तो ये 2 चम्मच डालना है इसमें। रेड वाइन का सिरप है ये, तो 20 ml में ऐड कर रहा हूँ 2 गिलास में। ये 20 ml सिरप में अब इसमें डाल रहा हूँ। अलग ही खुशबू आ रही है मुझे इसमें रेड वाइन की। थोड़ा सा नॉर्मल चिल्ड मिल्क ऐड करते हैं इसमें, और चॉकलेट सिरप बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि इससे फ्लेवर बिल्कुल भी दब जाएगा, मतलब फ्लेवर ही नहीं आएगा हमें। बहुत ज़्यादा ठीक हो गई कोल्ड कॉफ़ी। अच्छी खासी ठीक कॉफ़ी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है कि हमें ज़रा सा सिर्फ ऐड करना है चॉकलेट सिरप, ज़रा सा डालना है, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, बस। ताकि ये ब्यूटीफुल लग सके। हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो कॉफ़ी में मिक्स हो जाएगा, और फिर जो हमारा फ्लेवर का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा।
ये देखिए कॉफी कितनी थीक बनी है, ये देखिए, ये देखिए इतनी इजीली निकल नहीं रही, ये देखिए इतना देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमारी कोल्ड कॉफी बनना चाहिए, ये देखिए, ये देखिए, ये होती है ओरिजिनल थीक कोल्ड कॉफी। अमूल के स्लिम एंड ड्रीम मिल्क से मैंने आपको, ये देखिए इसमें जार में अभी भी रह गई है, मतलब कितनी ठीक बनी है कोल्ड कॉफी। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से फॉर गार्निश हल्का सा डाल सकते हैं, ये बस इतना सा, जरा सा फॉर गार्निश, जस्ट फॉर गार्निश, बस बस मैं ज्यादा ऐड नहीं कर रहा हूं इसमें। तो ये हमारी कोल्ड कॉफी बनके तैयार हो चुकी है, रेड वाइन कोल्ड कॉफी, एक्स्ट्रा थिक एंड एक्स्ट्रा क्रीमी एंड वेरी टेस्टी। थैंक यू।